आप सभी को अंजलि का नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं 48 इयर्स के बाद अपने कॉलेज आई हूँ और मेरी दो फ्रेंड्स भी आने वाली हैं, उनसे मैं मिलूँगी और हम आज अपनी मेमोरीज रिकॉल करने लगे हैं। तो गाइस प्लीज़ देखना, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और ये कॉलेज है हमारा लेडी अर्विन कॉलेज। आफ्टर 48 लॉन्ग ईयर्स हम यहाँ पे आए हैं और बस मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका, यहाँ पे अब हम पहुँच गए हैं। अभी मेरी बस फ्रेंड्स आने वाली हैं, एक फ्रेंड आ गई है, मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। एंड शी इज़ कविता छिब्बर। हाय, शी इज़ कविता छिब्बर। हाय कविता। हाय हाय अंजलि, सो नाइस टू बी हियर। बिल्कुल, सो मेनी ईयर्स। 48 इयर्स एक बहुत लंबा टाइम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ओल्ड मेमोरीज रिवाइव हो गई सारी एक मिनट। आज अब अभी हम अंदर जाएंगे, एक फ्रेंड की और वेट कर रहे हैं, वो थोड़ी देर में आने वाली है। और फिर हम आपको भी दिखाएंगे कि हमारा कॉलेज जो कि लेडी अर्विन कॉलेज आफ्टर 48 इयर्स कैसा दिखता है। और ये मेरी दूसरी फ्रेंड भी आ गई। हाय, हेलो, सो हियर इज माय फ्रेंड अंजनी इज हियर। ऑल थ्री ऑफ अस आफ्टर 48 इयर्स। यस यस, आफ्टर 48 इयर्स। चलो देखते हैं, कॉलेज के अंदर चलते हैं, लेट्स गो। हमारा कैंटीन वगैरह वैसे ही है, हाँ, बस लेट्स गो टू कैंटीन। चलना कहाँ? चलो, हाँ कि पहले इधर चले, नहीं इधर चले। चलो, सेम ओल्ड ट्री के नीचे हम बैठा करते थे। सोचो ये कितने पुराने ट्रीज हो चुके हैं। पहले दूसरा गेट होता था जिससे हम एंट्री लेते थे, अब इन्होंने इस साइड का गेट खोला हुआ है। लेट्स गो इन और चेक करते हैं। ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एकदम यंग स्टूडेंट्स। हम तो काफ़ी, हमारी एज हो गई, वी आर 65 नाउ। ये हमारी लाइब्रेरी जहाँ हमने बैठकर बहुत कुछ किया, बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती थी। यहाँ पढ़ाई तो होती थी लेकिन साथ में धीरे धीरे जो है बातें भी होती थी। जो ओल्ड बिल्डिंग कहा जाता है, मतलब ये अंग्रेज़ों के टाइम के बना हुआ कॉलेज है, कि तब लड़कियों को ये सिखाने के लिए कि स्टिचिंग सीखें और ये सब सीखें, तो ये कॉलेज बना था। दिस इज़ द ओल्ड ट्री। इसके नीचे हम बैठ कर कितने हमने लंच खाए, कितनी हमने गप्पे मारी, बहुत ही सच में, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना। आफ्टर 48 इयर्स द ट्री स्टिल देयर। ट्री ने तो यहीं रहना था, पर लॉन्स आर सेम, बिल्डिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। चलो एक एक फोटो तो खिंचवा ही लेते हैं हम इस पेड़ के नीचे। अपना टाइम याद आ गया ऐसे बैठने का। देखो कैसे मजे से बैठी हुई है और इंजॉय कर रही है अपना फोन। तो बस अब हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कोई मिलता है, कोई टीचर ही मिले हमें। तो जस्ट गोइंग इन साइड दिस बिल्डिंग, देखते हैं क्या होता है। आज सैटरडे है, थोड़े से स्टूडेंट की कोई स्पेशल क्लास हो रही है, तो वहाँ में उधर एक टीचर दिखी है, देखते हैं उनसे मिलते हैं। जो आता टीचर है? सॉरी, आप टीचर हैं? यू आर टीचिंग हियर? आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट। ओह वाओ वाओ वाओ, सो गुड सो गुड। आई वांट ऑल ऑफ अस कमिंग। हां, ऑल ऑफ अस कमिंग। हां हां, ओके, थैंक यू। फोटो खींच दो। सो हाय गर्ल्स, क्या कर रहे हो आप लोग? व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज? वी आर टीचिंग हियर, वी आर टीचिंग हियर। ओके, यू आर टीचर? ओह माय गॉड, आई थॉट यू आर स्टूडेंट। ओह नो, ओके ओके, ओके ओके ओके, यू आर टीचर्स? वाओ, सो यंग टीचर्स, स्मार्ट वन, ग्रेट ग्रेट। बस अब हम ये गार्डनिंग सेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे हम करते थे। एंड दे आर सो नाइस, हमको दिखा रहे हैं सब कुछ। रियली थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा। आई स्वेयर, इतना अच्छा लग रहा है ना सबसे मिलकर। हमें ये टेंशन हो रही थी, हमें अंदर भी नहीं जाने देंगे तुम्हें। आपकी आपका बड़ा, क्योंकि आप अच्छे हैं, हमें इतना हो रहा था ना।
कि हमें अंदर भी कोई जाने देगा कि नहीं, पता नहीं खुला है कि नहीं। राइट। हाँ नहीं नहीं ओहो इतना सच ओवर वेलिंग, इतना अच्छा लग रहा है ना। तो अब हम ये दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ जाते हुए, अगर आपको भी मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट भी मुझे करें और बताएं कि कैसा लग रहा है वीडियो। हाँ ये नहीं था बॉटनी का। हाँ नाउ दे हैव दिस, हाँ क्लासरूम बन गया अभी पूरा बॉटनी का। हाँ जैसा आपने डायरेक्टर का बंगलो छोड़ा था। अरे वाह प्रिंसिपल हाउस ना। हाँ वो एक मिनट मैं लेकर आती हूँ। तो ये बस मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे प्रिंसिपल को, यहाँ पे रेजिडेंसी भी है टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, कईयों को यहाँ पे हाउस मिलते हैं। तो ये सामने जो है यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल होती हैं उनको पूरा घर मिलता है। और ये देखिए गाड़ी भी खड़ी है, ये जो है ये देखिए ये प्रिंसिपल हैं, ये उनका घर है, यहीं पे वो रहती हैं, उनकी गाड़ी वाड़ी खड़ी है। खैर उनसे तो अभी हम नहीं मिल रहे क्योंकि वो हैं नहीं यहाँ पे, हमें पता लगा कि वो बाहर हैं आउट ऑफ टाउन। और इधर ये टेनिस कोर्ट और ये सब बने हुए हैं। यस 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 मिसेस चौहान पढ़ाती थी। खिड़की है नहीं बदली, खिड़की कुछ नहीं चेंज ओवर है, सब ऑल विंडोज आर सेम। हाँ ये हमारी लॉबी। अच्छा पर हमारे यहाँ पे वो होते थे लॉकर्स, अंदर है अंदर देखे कहाँ हमारे लॉकर्स हमारे टाइम पे। ओह लेट मी शो यू द लैब नाउ। ये हमारा क्लोथिंग का होता था, क्लोथिंग ये हमारा क्लोथिंग रूम होता था पहले, लेकिन अब जो है इन्होंने पढ़ाई का वो कर दिया। पहले हमारा एक क्लोथिंग होता था और ये अब हम लॉबी में हैं। ये हमारी केमिस्ट्री फैकल्टी का साइन देखिए। यहाँ पे सब ये देखिए क्लासेस हैं जहाँ प्रैक्टिकल्स और वो सब होते थे। दिस इज टेक्सटाइल डिजाइनिंग लैब, दिस इज आवर हॉल ऑडिटोरियम। दिस इज आवर स्टाफ रूम, पर कोई टीचर नहीं है कि हम मिल लेते, एक्चुअली हम सैटरडे को आए हैं ना तो इसलिए। स्टाफ रूम, लॉबी और अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे बुक शॉप होती थी तो देखते हैं है कि नहीं, पर वो कह रहे हैं है अभी भी, मतलब इतना बुक्स का शौक होता था पहले। हाँ बड़ी कुकिंग की बढ़िया बढ़िया बुक्स खरीदी हमने, बहुत अच्छा लगता है। हमारे टाइम में बीएससी होम साइंस एक बहुत बड़ी चीज, नहीं नहीं बास्केटबॉल कोर्ट भी सही था। हाँ हाँ श्योर 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 उधर जाना पड़ेगा ना, बाद में कर लेंगे ना। लेट्स गो देयर बास्केटबॉल, वो कैंटीन दिखा रहे हैं। हाँ आराम से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट में भी मुझे बताओ कि हमारा कॉलेज कैसा लग रहा है आपको। पहले हमारी कंटीन उधर थी लेकिन अब कह रहे हैं कि इधर शिफ्ट हो गई है, लेट्स गो एंड सी।
So these are the kids today. Hi everyone. Hi, बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना ओवरवेलमिंग हो रहा है, मान लिया ना. देर आर सो मैनी न्यू एडिशंस, काफ़ी हो गई हैं. ये भी नई है, ये पहले नहीं थी कैंटीन में. अभी उन्होंने ये भी बना. क्या रूम है? अच्छा, नॉट दिस न्यू वन, तब नहीं था. देर वॉज ओनली दैट ऑडिटोरियम एट घामते जा. देर वॉज दैट ओनली. हाय एवरीवन, एक कर दो यार हाय मेरे लिए. अच्छा, कहाँ है ये कैंटीन? कहाँ है कैंटीन? चलो चलो, ओके. थैंक यू सो मच आपने रियली थैंक यू सो मच. सो कम ऑन, लेट्स गो एंड हैव समथिंग. कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं क्या? और चाउमीन है एक, उसी में से एक ही में से तीनों शेयर कर लेते हैं. चलो चाउमीन खाएं, वहाँ खाएंगे. अरे ड्रिंक ले लेते हैं, नहीं तो फिर बंगाली मार्केट आफ्टर. ओहो, दिस इज द कैंटीन. Oh, this is a new canteen. Let's go in and see what's happening there. Yeah, enjoy yourself. This is Wellington Cottage. ये हमारा पुराना canteen. ये देखिए, और यहाँ पर हम बैठकर जो लंच पे गप्पे मार ली अंदर कैंटीन के जाना. अब ये बंद किया हुआ है इन्होंने क्योंकि नया बना दिया. मे भी कुछ और खोलेंगे यहाँ पर. नाउ वी आर गोइंग टू द हॉस्टल. अब ये पीछे आ रहे हैं हम, पीछे जो है ये कॉलेज हॉस्टल. हम तो क्या दिल्ली के थे तो इसलिए दिल्ली में ही रहते, मतलब अपने घर से ही आते जाते थे. वो भी क्या टाइम था बसेस में आना. अब लगता है कि कौन बस में चढ़े. लेकिन वो स्टूडेंट लाइफ जो होती है ना, जो बस में आना और बस में जाना, यू रियली एंजॉय. और ये है हॉस्टल की बिल्डिंग. ग्रीन भी वैसी की वैसी बारिश हुई है. हाँ, ग्रीन भी वैसी की वैसी है. इंडिया का हमारा ये कॉलेज बहुत पुराना, 100 साल से ऊपर होगा. चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं. हमारा ही जब 50 साल होने को आ रहा है. हाँ, वैसे 50 इयर्स में हमें कहीं चलना चाहिए. अब कॉलेज तो हमने घूम लिया, अब हम जा रहे हैं बंगाली मार्केट. ये बैक गेट है, इसी से हम पहले भी निकल के जाते थे. अब इन्होंने बड़ा बना दिया है, पहले तो छोटा सा होता था. अब ये देखो, कोई कार भी अब मतलब पूरा इन्होंने खोल दिया है क्योंकि कई टीचर स्टाफ बीच में रहते हैं तो बैक टे डोर से भी एंट्री इन्होंने कर दी है. कितना चेंज हो रहा है यार, बंगाली स्ट्रीट भी कितना बड़ा बन गया. बड़ा कर दिया बोर्ड है वैसे ही, क्योंकि बारिश होकर हटी है, बहुत ही ह्यूमिड हो गया है. अब तो लग रहा है कि फटाफट अंदर जाएं और एसी में बैठें, बहुत ही गर्मी हो रही है. लेट्स ईट समथिंग ठंडा ठंडा. क्या कोई दही पापड़ी या कुछ ऐसा ना खाएं? अरे यार कुछ खाएंगे प्रॉपर. पहले गोलगप्पे में खाएं? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स टिक्की. गोलगप्पों का मजा लेते हुए डोसा और नूडल्स भी आ गए हैं, तो बस अब हम ये खाने लगे हैं. और ये ठंडा ठंडा कुल्फी फलूदा, आहा मजा ही आ रहा है खाकर. ये
खाने के बाद पान ना खाया तो क्या मज़ा आया। तो बस अब हम ये पान लगवा रहे हैं और देखिए कैसे हाथ चल रहा है इनका। तो ये बंगाली स्वीट पर हमारा वीडियो बस ख़त्म होता है। बहुत ही मज़ा आया है, लंच किया और अब हम पान जो खा रहे हैं ये देखिए वो पान मेरी फ्रेंड लगवा रही हैं। तो बस गाइस यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप भी कभी अपने कॉलेज गए हैं और आपने इन्जॉय किया अपनी पुरानी फ्रेंड से। नहीं किया तो प्लीज़ गो, इतना मज़ा आता है ना और इतना इन्जॉय किया आज हमने, आप भी ज़रूर करें। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में। कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फिर बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।